नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर मुनिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर भयंकर रूप नहीं माड़ी आसुची साइक्लोन यस आज अवपातर रूप नेब लघुचाप का बात्यार रूप नहीं छब्बीस करें लैंडफॉल बहिपे घंटा प्रति 160 किलोमीटर बेगरे पवन संभाव्य बात्या मुकाबला प्रस्तुति कटक मंडली प्रभावित जिला को पठागला 14 एनडीआरएफ टीम एपटे बात्या पूर्व भद्रक बालेश्वर गस्त करे एसआरसी साइक्लोन पूर्व पीएम को समीक्षा किसी समय मध्य बस गुरुत्वपूर्ण बैठक सामिल हे गृहमंत्री अमित शाह एमडीएमए पावर टेलिकम सहित रहिबे विभिन्न विभाग अधिकारी यश्र मुकाबला ग्राउंड जीरो रे जोरदार प्रस्तुति जनभागीदारी हे बात्यार महामुकाबला प्रकृतिर तांडव को सामना करने अंटा भिड़े लोके एपटे कोस्टाल बेल्ट रे हाई अलर्ट राज्य में 12852 नुआ आक्रांत चिन्ह संगरोधु 7195 स्थानीय संक्रमण 5657 पुणि खोर्धार सर्वाधिक 1909 कटकु 1073 देश में 35 दिन पर दिनक 2.5 लाख रु कम केस 24 घंटे 2,40,000 पजिट चिन्ह पुणि गला 3,741 जनक जीवन 10 दिन में 30% कमिला आक्रांतों संख्या एवं कोरोना काल में केमिति हेब बाकी परीक्षा राज्य सचिवों केन्द्र शिक्षामंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक सीबीएसई द्वादश परीक्षा नहीं होपे चूड़ांत निष्पत्ति खबर आरंभ करिबा बड़ खबर माड़ आसुची बात्या यस 26 तारीख में ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल रे एहा लैंडफॉल करिपारे तेबे एथिपई राज्य रे आरंभ हो जाइछि प्रस्तुति आसुची साइक्लोन यस आज अवपातर रूप नेब लघुचाप 24 तारीख में यह बात्यार रूप नेब एवं से ही दिन आरंभ हो वर्षा 24 तारीख अपराह्नु ओडिशा उपरे पड़ प्रभाव बंगोपसगर आसुवा बात्या यस ओडिशा रे स्थलभाग छुईवा संभावना क्षीण थिबा अनुमान करा पश्चिमबंग संलग्न अंचल को मुहैपे आकलन करणिपाग संस्था मैंने अनुरूप पूर्वानुमान आरंभ कले स्थलभाग को छुईवा बेलू यस भीषण बात्यार रूप नहीं सारी पवन रेग घंटा प्रति 145 165 किलोमीटर थी 185 किलोमीटर बेगर मध्य झटका दे पारे यह सत्वे उत्तर ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे बड़ प्रभाव पड़े एपरिक उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल रे पवन रो बेग 90-100 एवं स्थल विशेष रे 110 किलोमीटर छुई पारे बोली पूर्वानुमान करा जाउछि आगामी 24 घंटा रे यह अधिक घनीभूत हो या परे सीवियर साइक्लोन रे यह परिणत हो पारे 26 तारीख सकाळ सुद्धा यह भीषण बात्यार उत्तर बंगोपसगर में पहुंच यार प्रभाव में उत्तर बंगोपसगर और संलग्न केन्द्रीय बंगोपसगर 24-27 पर्यंत भीषण अशांत रही पाणीपाग विभाग तरफ कह लघुचाप क्षेत्र आज घनीभूत हो अधिक सुदृश्य लघुचाप वेलमार्क लो प्रेसर एरिया परिणत जहाँ अनुमान आगामी 12 घंटा मध्य यह आहरी घनीभूत हम और अवपातर रूप नब जहाँ पूर्वर मध्य आकलन रही 24 तारीख बेलू यह घनीभूत हे और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी गोटे सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नबार संभावना रही अनुमान करा वर्तमान जहाँ यह भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अति तीव्र सामुद्रिक झड़ में परिणत होवार संभावना रही 26 तारीख सकाळ बेलू आमर पश्चिमबंग उत्तर ओडिशा एवं बांग्लादेश उपकूल पाखापाखि पहुँचवार संभावना रही जोटा कि आमर अनुमान कर 26 तारीख संध्या समय यह उपकूल को यही जो अंचल रोज उपकूल को यह अतिक्रम कर संभावना रही संपर्क अधिक सूचना पाई बासदेवपुर रही प्रतिनिधि प्रशांत दास रही प्रशांत जदि आम देखा
जो प्रभावित जिला भितर भद्रक जिला भी आसुची बालेश्वर आसुची जगतसिंहपुर कथा कहतु आप केन्द्रापड़ा कथा कहतु किंतु प्रभावित थे अम्फन रे दृश्य देखा तेज निश्चित भाव में अधिक प्रभावित होता बालेश्वर और भद्रक तेणु से ही अनुपात में ए वर्ष यस को नहीं विशेष भाव में आलर्ट भी जारी कर तो आप केमी देखुं कारण बासदेवपुर अंचल आम देखीचे कि जो फ्लड जो फ्लड जो फ्लाश फ्लड देखा जाए पा जमी थाए तेणु से अंचल प्रस्तुति केमी रही यस को नहीं निहाती भाव देखु वर्तमान सुधा वासुदेवपुर बात्या यस को लेकिन व्यापक प्रस्तुति करा प्रशासन तरफ व्यापक प्रस्तुति करा पाखापाखि जहाँ सूचना दौले स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा जहाँ सूचना दौले आमको जो पाखापाखि 18 पंचायतर 25,000 लोक इवाकुएट करा कहीं प्राथमिक पर्यायर 16 पंचायत को नजर रखा जाता कि परवर्त समय ये जो पुणी बात्यार जो सतर्क सूचना को लक्ष्य करके आउ 3 पंचायत को बढ़ा जाए पाखापाखि 49 रेवेन्यू भिलेज रखा जा नजर रखा जा प्रशासन तो व्यापक प्रस्तुति युद्धकालीन भित्तिर समस्त प्रस्तुति के जारी रही है जिलापाल कंटिन्यूअसली भाव में वासुदेवपुर को आसुचंती बात्या आश्रय स्थली गुड़िक रही 38 बात्या आश्रय स्थली 10 रेड क्रॉस सेंटर रखा जा स्कूल जो निरापद रही लोक मान पाखापाखि 47 स्कूल को रखा जा नजर में वर्तमान सुधा कह लोक मैंने निजी निजे भी प्रस्तुत हो सारे कहीं विगत जो दिन मानक जो भाई भाव बात्यार सम्मुखीन होती एवं सुधा मनु से सब लिभि ना कहीं अंफान जो भाई भाव क्षतिग्रस्त होते लोक जेहेतु समुद्र उपकूलवर्ती अंचल ये लोक मैंने रही पाखापाखि 200 मीटर दूरता समुद्र पाखु ये गाँव को निहती भाव आतंकित अवस्था रही गोटे पाखे कह गो स्थानीय जो सामाजिक संगठन हूँ जिलूर जो सामाजिक संगठन वर्तमान लोक मान परामर्श दौरान सूचना देखिए गत वर्ष जो अम्फन को फेस करते अंटा सड़क छिड़ाई ना खास कर जो मैंने समुद्र तटवर्ती अंचल रोचे दुर्दशा कहले न सरे कारण प्रत वर्ष प्राकृतिक विपर्य आसेना करती मुकबिला करती पुणी अंटा सड़क हवा को चेष्टा करती तो जो देखा से अंचल प्राय केतोटी गाँ अच्छी केच्चा घर रही कौ कौ लोक मैंने विपद संकुल अवस्था रही कौ घरे वृद्ध लोक रही तो प्रशासन तार एक लिस्ट बने से स्थान एवं सुधा उच्च जगह को स्थानांतर करने चेष्टा कर गोटे दिन बा दुई दिन पर ही स्थानांतरित करपटे सुखिला खाद्य कथा कहतु रिलीफ जदि दरकार पड़े से लोक रिलीफ जोगे देवाई हो उधार करने से सब प्रस्तुति केमती चली ना वर्तमान सुधा जहाँ भी सूचना अच्छी वासुदेवपुर को एनडीआरएफ टीम आसवर योजना अच्छी किंतु वर्तमान सुधा पहुंची ना जेहेतु वर्तमान सुधा बात्यार कौन प्रभाव ना अंचल मानक वर्तमान सुधा कौन प्रस्तुति चली सुधा अब्याहती रही कहीं वासुदेवपुर ब्लक भितर वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी मैंने बसी आलोचना करुँच ये जो पाखापाखि 26,000 लोक इवाकुएसन हो तो किसी जो कच्चा घर रही पाखापाखि वर्तमान आम गत भी किसी जो स्थानीय लोक थे पाखु आम मतामत नहीं वर्तमान 30% लोक एवं भी कच्चा घर रही कहीं से जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल से निहाती भयभीत अवस्था रही देखा गले अंपटे कोरोना महामारी कोरोना कटक किसी लोक भी अच्छा जो मैंने राजी होना प्रशासन ये जो निष्पत्ति बाहर देखा मानते ग्राउंड को जाऊँच रिपोर्टिंग भी करेतु से अंचल बिलंग करते आपला देखी आसते प्राकृतिक विपर्य आसते लोक मैंने क्यों मात्रा हईराण हमें किभली परिस्थितर सम्मुखीन तो आपणकर व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कौन अम्फन को नहीं यस रो प्रस्तुति रही है से आप कौन भाव जिला प्रशासन एकदम सठिक तैयारी करना कौटी ना कौटी तैयारी एवं भी कमी रही नहीं आप गोटे भल पचारे क्वेश्चन गोटे पटर जो जिलापाल आसी बुलवा को जो बात्या आश्रयस्थल गुड़िक देखी निरीक्षण करते कही समस्त प्रस्तुति सरी कि बर्तमान सुधा आम जहाँ ग्राउंड जीरो देखा गलत बर्तमान भी किसी बात्या आश्रयस्थल रही जा जो विद्युत व्यवस्था कि डीजे व्यवस्था भी करवस्था कर टैप अच्छी पानी बाहर एमती बहुत जो स्थानीय लोक अच्छा अशांति भी वृद्धि पाती गत काली जहाँ लोक मतामत
निहाती भाव में तो प्रशासन प्रस्तुति आहुरी आवश्यकता रही है। जदिओ जिलापाल फील्ड को जाऊँ बुलुंट किंतु ग्राउंड जीरो में जितकी प्रस्तुति रहा दरकार यस रुकबिला तार कौट ना कौटी कमी रही है। एवं भी बहुत जगह पानी जल कथा कहतु कि विद्युत जेहेतु रही कनेक्शन रही से डीजी व्यवस्था हो कौन प्रकार कर प्रतिनिधि कहते कि अंपटे एसआरसी आज गस्त कर भी कार्यक्रम रही प्रभावित जिलागुड़ भितर। धन्यवाद प्रशांत आम सहित जोड़ी धामनगर आम प्रतिनिधि विश्वजित पलई रही विश्वजित मत शुणी पार्छन जी विश्वजित धामनगर प्रस्तुति कौन कारण जी आम देखा धामनगर फ्लड फ्लाश हो कि बन्या हो कि बात्या हो सब अधिक प्रभावित होता है और खासकर अम्फन समय से परिस्थिति देखा मिलता धामनगर तो यस जेहेतु आसूसी यस रुकबिला धामनगर ब्लक प्रशासन पक्षर कि भाव में प्रस्तुति रही से जगह देखो निर्मला जो धामनगर प्रशासन तरफ रु जो अग्निशम बाहन तरफ रु आज जहाँ सकाल सूचना मिलता जो कौन से घर नष्ट न होते विभिन्न जो रही जो गच गुड़ बहुत आकार भांगी पड़ा तो कटिंग करने कटर मेसीन सा सफा कर निश्चित कहीपर धामनगर प्रशासन तरफ रु सजा करा जाए कि गोटे कथा देखा मिली जिते गुड़े धामनगर ब्लॉक रे प्राय छटी बात्या आश्रयस्थल रही 80 रु अधिक स्कूल रही किंतु ए सब को जो स्थानीय जो गरीब लोक रही कौन से जो कच्चा माटी घर जो रोचे लोक मैंने से केमी से स्थानातर हे से कुछ कौन वर्तमान सुधा व्यवस्था करमला निर्मला नुहे विश्वजित नीलिमा तो विश्वजित अंपटे जी देखिए जहाँ आप कहे एवं भी जो बुढ़ाबुढ़ी लोक रोचक लोक रोचान स्थानातर कराएं तो अंपटे जी देखा जोड़िक प्रभावित अंचल धामनगर ब्लक रो को जगह विशेष मात्रा प्रभावित होता है सेठी प्रस्तुति केमी रही देखो धामनगर रेसी कह रहीपुर धूसर एरिया आप जो सेंडपुर जो सोड़ा पंचायत रही सब एरिया जो नदीकूल एरिया जहाँ भी हेल्ले एरिया गुड़िक बहुत प्रभावित होता है प्रत वर्ष जेहेतु ये स्थान में बहुत गच गुड़िक रही है तो यही स्थान बहुत गच भांगी पड़ रही है आज्ञा धन्यवाद विश्वजित इलेक्ट्रम प्रतिनिधि विश्वजित पलई तेज धामनगर प्रस्तुति करस रुकबिला तथापि प्रस्तुति में कौट ना कौट अबला रही जाए अधिक मात्र आहरी प्रस्तुतिर आवश्यकता रही से कहते कारण अनेक जगह जो मैंने वयस्क लोक रोचा बा कच्चा घरे जो मैंने रोचा से स्थानातर करने थैथान अलग सुरक्षित जगह करने कौन से पदक्षेप निया जा प्रतिनिधि सूचना देते धन्यवाद विश्वजित इलेक्ट्रम धामनगर प्रतिनिधि विश्वजित पलई संभाव्य बात्या मुकबिला राज्यर प्रभावित जिला को पठागला इंडिया टीम कटक मुंडली प्राय 14 टीम विभिन्न जिला गस्त कर मयूरभंज को गोटे टीम पठा जाता बेले भद्रक को 4 टीम पठा जापरी बालेश्वर को 7 जाजपुर को 2 केन्द्रापड़ा को 3 टीम पठा जा सहित जगत सिंहपुर को गोटे पठा जाने कि बात्या उद्धार कार्य मुतयन होते विभिन्न स्थान में फसरी लोक उद्धार करेंगे यही एनडीआरएफ टीम आमर एनडीआरएफ रु टोटल 22 टीम डिप्लॉयमेंट हम जो कि आम 8 टीम मूव कर सारे आउ टीम संध्या सुधा मूव कर बालेश्वर जिला को अधिक टीम टोटल 7 टीम बालेश्वर जिले में रही है भद्रक 4 टीम रही है जाजपुर 2 टीम केन्द्रापड़ा 3 टीम रही है ये 4 डिस्ट्रिक्ट को आमर मोस्ट मुख्य फोकस कर आज 18 टीम मूवमेंट कर प्लान अच्छे पूरा 18 टीम मूव कर बाकी 4 टीम आम बैटालियन हेडक्वार्टर रही जो बात्यार मूवमेंट देखिकी आवश्यकता अनुसार से डिटेल करम सहित कटिंग इक्विपमेंट अच्छी आम आस्का लाइट सब अच्छी जो अंधार हेले ये करने फास्ट एड जिनस सब अच्छी आम पाखे तो कोविड प्रोटेक्टिव गियर्स सब अच्छी से निजे सुरक्षित करपरेसन करेंगे बात्या पूर्वरु भद्रक एवं बालेश्वर गस्त करेंगे एसआरसी बात्या प्रस्तुति नहीं करेंगे समीक्षा दुई जिला भद्रक और बालेश्वर विशेष भाव प्रभाव पकई पारे यस तेणु यह पूर्व यह दुई जिला गस्त कर बात्या प्रस्तुतिर समीक्षा करेंगे एसआरसी प्रदीप जेना अंपटे बात्या पूर्व जनसाधारण को सतर्क कराई एसआरसी ओडिशार समस्त मत्स्यजीवी को सुरक्षित फेर अणा जाए समस्त कृषक अनुरोध करषिजात द्रव्य को सुरक्षित स्थान को नहीं आसतु तुरंत जल निष्कासन ड्रेनेज सभा कहु लोक स्थानातरित बात्या आश्रयस्थल
ପରିଚାଳନା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଆସିଲେ ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ, ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ପଠାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରେ ଯଦି କେହି ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 70 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, 20 ଉଡ୍ରାଫ୍, 150 ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଗଛ କାଟିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଦ୍ୟତମ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜି, ସେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଟା 2 ଦିନ ଧରି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ତାହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ 24 ତାରିଖକୁ ତାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ତାହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ସବିଶେଷ ଆକଳନ ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଏହା 26 ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଅନେକ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପଦକ୍ଷେପର ଗୋଟିଏ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଧୀବର ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ବା ଟ୍ରଲର ବା ଛୋଟ ସିପ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଡ଼୍ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଗଲେଣି ଯେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ମିଟିଂରେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ପାୱାର, ଟେଲିକମ୍ ଭଳି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ମେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତର ରେଲୱେର 12 ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଠାବ। ଭଦ୍ରକରେ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସଦେବପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଆର୍ତୁଙ୍ଗୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସମେତ ନକଲି ଲୋଗୋ, ବୋତଲ, ଠିପି, 100 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, 50 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖି ନଜର ରଖିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଅର୍ତୁଙ୍ଗ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିକିରି ସ୍ପିରିଟ୍ 50 ଲିଟର, କାରାମେଲ 3 ଲିଟର, କୋର୍ ଠିପି 5000, ଆଦେଶ ଲେବୁଲ 500, ଗୋଟିଏ ନାଇଫ୍, ଗୋଟିଏ ବକେଟ୍ ଆଉ କାରାମେଲ 3 ଲିଟର। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଷ୍ଟିକର ରାଜ୍ୟ
ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କହର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ସହିତ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଠେଇଶ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନୂଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12,852 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 692,382 ପହଞ୍ଚିଛି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7,195 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 5,657 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2,50,000 କମ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 2,40,842 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି 3,741 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ୍ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରୁ ସର୍ବାଧିକ 35,873 ପଜିଟିଭ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 31,000 କେରଳରୁ 28,514 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଗତ 10 ଦିନରେ ନୂଆ କେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା 30% କମିଛି ଆଜି କେବଳ 2 ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30,000 ଉପରେ ରହିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଭୋଇ ସେବକ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାୟୋ ବବଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଥ କାମ ଜୋର ଧରିଛି ଏଥିପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 2 ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୋଟ 79 ଜଣ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ତେବେ ଆ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଖବର କି ଅନେକ ଭୂଇ ସେବାୟତ ଏବଂ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ ରହିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କିଭଳି ଶେଷ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି କି 2 ପାଉଣା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଯେଉଁଠି 100 ଅଧିକ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସେଇଠି ଅଧାଧିକ 20 ପ୍ରାୟ 22 ଜଣ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାତିଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ 2 ପାଉଣା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା ନମସ୍କାର